तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, वाटर में कितना लॉस हो जाता है। वैसे लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी को आप अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर क्या होगा, वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, और अपथ्रस्ट में किसकी डेंसिटी यूज करते हैं, वाटर की। मान लो वाटर एक लिक्विड है, तो सॉल्व करके रेशियो आ गई। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये डेफिनेशन यूज करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये याद रखना है। जैसे न्यूमेरिकल आएगा, किसी भी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 4 है तो बॉडी की डेंसिटी क्या होगी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर तो आप एसआई सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी को 1000 पुट कर देना, बॉडी की डेंसिटी आ जाएगी। और अगर सीजीएस कर रहे हैं तो 1 पुट कर देना, बॉडी की डेंसिटी सीजीएस में आ जाएगी। बस ये इसका काम है।